So hey guys, welcome back to our another love story video episode 14. 14 है ना? Yes, 14. 14th episode पे आ गए भाई. आप लोग बहुत कम प्यार दे रहे हो love story videos पे. तो अब हम सोच रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी खत्म करें, आप लोग बोर ना हो इसलिए. तो कहाँ पे थे हम लास्ट? आप जा रहे थे मेरे पीजी से, रुद्रपुर से. हाँ, तो भाई हम रुद्रपुर से वापस जा रहे थे अपने घर लुधियाना की ओर. तो लुधियाना जाने के लिए हमने एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की. हमने डायरेक्ट बेवकूफ़ी क्या, मेरे ख्याल से उस टाइम पे कुछ शायद अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए हमने ऐसा किया होगा. तो पहले हम गए वहाँ से दिल्ली और फिर दिल्ली से गए हम लोग लुधियाना. तो भाई जब जा रहे थे हम लोग, तो आपको पता है ऑलरेडी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और जाते जाते मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई. मेरे को खांसी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी. और हम लोग गए थे शताब्दी से. हम लोग दिल्ली पहुँचे रुद्रपुर से जैसे कैसे, और दिल्ली से हमने लुधियाना ही की थी शताब्दी. शताब्दी में एक बहुत ही फनी सा सीन हो गया था. मेरे को हो रही थी बहुत ज़्यादा खांसी, बहुत ज़्यादा ही खांसी हो रही थी. और आपको पता है शताब्दी जो चेयर कार होती है, चेयर कार में थे हम लोग, वो कितनी शांत होती है. मतलब उसमें ऐसे जनरल की तरह या थर्ड एसी की तरह बहुत ज़्यादा ऐसे हल्ला वल्ला नहीं होता, बहुत शांत रहती है वो चेयर कार. चाय वाले भी नहीं आते वहाँ पे? वैसे नहीं आते वहाँ पे, खाना मिलता है आपको. मतलब अच्छी वाली शताब्दी थी, तो उन्होंने हमें डिनर दिया वहाँ पे, अपने खाना वाना खाया. लंच दिया? लंच नहीं, डिनर रात हो गई थी. तो डिनर मतलब शाम का टाइम था, तो डिनर ही समझ लो. तो डिनर विनर दिया उन्होंने, तो पहुँचने वाले थे तब उसने डिनर दिया था. तो फिर उसके बाद भाई मेरे को थी बहुत ज़्यादा खांसी. तो खाते खाते ना मैंने ना मतलब ट्रेन में ही कर दिया काम. बहुत तेज वो भी, और फिर पास में एक लड़की बैठी हुई थी और उसने ना सुन भी लिया. उसने ना भाई सुन भी लिया, और मेरे को इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई मेरे का यार. और फिर पता उस लड़की ने क्या किया, आप विश्वास भी नहीं कर सकते. उसने जेब में से विक्स निकाली और विक्स निकाल के दी, ये लो ये ले लीजिए. उसने सोचा ये इससे पहले रास्ते के होल डोजेस मुझे दे, मैं इसको डोजेस देती हूँ. तो भाई ये ऐसे ऐसे करके इतना फनी सीन हो गया ना वहाँ पे. और मैंने इस ये जब इंसिडेंट इनके साथ हुआ, तो मैं इनको फोन कर रही थी कि मतलब क्या हुआ, तबीयत वगैरह ठीक है या नहीं. तो ये मुझे बता रहे बाबू देखो पता नहीं है थोड़ा कांड हो गया ट्रेन में. मैंने कहा क्या हुआ? ट्रेन में ना ऐसे ऐसे हो गया. मैंने कहते बहुत सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी मेरे बराबर में. मैंने कहा चलो फिर तो अच्छा ही हुआ, सुंदर लड़की बैठी हुई थी. मैंने कहा फिर तो सही हुआ ऐसे ऐसे करके. ये तो बहुत फनी सीन हो गया था वहाँ पे. फिर उसके बाद हम लोग घर पहुँचे और फिर हमारी नॉर्मल जिंदगी चल रही थी. हम लोग मस्त, हम लोगों ने जो वीडियोस वगैरह बनाए थे हम शायद पोस्ट करना शुरू कर दिए थे उस टाइम पे. और इसने वो जो इसने टैटू बनवाया था अपना पायल वाला, वो भी इसने पोस्ट कर दिया. तो भाई मेरे घर वालों को उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था, इसके घर वालों को भी उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था. तो जितने भी टिकटॉक पे लोग थे ना हमारे या इंस्टाग्राम पे, हमने सबको ब्लॉक किया हुआ था अपने घर वालों को. मेरे घर से तो कोई था ही नहीं ऐसा जिसका मुझे ब्लॉक करना पड़े, क्योंकि इतना हाँ. कोई ज्यादा वो था नहीं, मैं जानते भी नहीं थी, इंस्टाग्राम को चलाता नहीं था. फिर उसके बाद भाई क्या हुआ कि मेरी एक भाभी है वो रहती है बाहर, मतलब इंडिया से बाहर रहती है. तो अब मुझे नहीं पता था कि उनका अकाउंट भी है इस पे टिकटॉक पे. भाई उन्होंने वो वीडियो देख ली. कौन सी वाली देखी? इसके टैटू वाली, जो इसने टैटू बनाया था वो. तो वो वीडियो जैसे ही देखी उसने बता दिया भाई को कि भाई ऐसे ऐसे मतलब पायल के नाम का टैटू बना के घूम रही है एक लड़की ऐसे ऐसे करके. तो मतलब मेरे कजन ब्रदर को बताया. तो और मैं इससे पहले इनको यहाँ पे स्टॉप करके आपको बता दूं कि ये इनके कजन ब्रदर, आपने बहुत बार हमारे व्लॉग्स में भी देखा होगा. तो और ये ऑलरेडी उनसे इस चीज़ को हाइड रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि वो बंदा इनको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर रहा है कि इनका थोड़ा अलग सीन है, लाइक लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है. इसको पता था पहले से हाँ. वैसे तो, लेकिन कभी, और वो मुझे मजाक में छेड़ता भी था ऐसे कि मतलब पता ही होता है यार, पता चल जाता है आप कितना ही कोशिश कर लो छुपाने की, बट पता चल ही जाता है. तो मुझे बहुत छेड़ता, तो मैं नहीं चाहती थी कि उसको पता चले कि भाई ऐसा ऐसा है सीन, क्योंकि मेरी और उसकी नहीं बनती थी. मतलब बाद में तो बनने लगी थी, लेकिन उस टाइम तक नहीं बनती थी, हमें बहुत लड़ाई होती थी. एक लौता वही है जिससे मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी. तो भाई ऐसे ऐसे करके, और उसने देख लिया वीडियो. फिर उसका आया मेरे पास फ़ोन, पता नहीं क्या बोला उसने कि तू कुछ छुपा रही है या तू कुछ बताना नहीं चाहती है. क्या बात हुई थी, मैं एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, तेरे को याद है? मतलब कि क्या, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, ये सब क्या चल रहा है ऐसा करके. तो मैंने कहा क्या चल रहा है? तो मैंने कहा यार अब उस टाइम पर फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अगर आज मैंने छुपा लिया ना इससे,
या आज मैंने इसको कोई और झूठ बोल दिया, क्योंकि पता तो चल ही गया था। तो मैंने कहा फिर मतलब इतने साल तक मेरा ऐसे रहना, या फिर आगे जाके अगर मेरे को अपनी लाइफ में अगर कुछ डिसीजन लेना है तो वो मैं नहीं ले पाऊंगी। तो फिर मैंने उसे बताया कि हाँ ऐसा है, और इतनी इजीली नहीं बताया था। इन्होंने मेरे को फोन किया ऐसे ऐसे करके नाम लेके कि उसका मैसेज आया है और उसने मेरे को ये सब लिखा है, बाबू उसने ना तेरी वीडियोस देखे थे, मैं तो मना करती थी, स्क्रीनशॉट भेजे, ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट भेजे थे। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, बात तो करो, एटलीस्ट बात तो करो। ये बात करने के लिए रेडी नहीं थी बिल्कुल भी, कि नहीं मैं बात ही नहीं करूंगी, मैं जवाब ही नहीं दूंगी। इनको उस टाइम पे क्या लगता था कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देना प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, इनको ऐसा लगता था। तो मैं इनको बार बार फोन पर यही कही जा रहे थे कि डुगू आप एक बार बात करो और उनको बताओ कि ये चीजें हैं। मैंने कहा एक ना एक दिन तो सामने आना ही है ना कि ये चीजें हैं, तो आप उनको जितना ज्यादा हाइड करोगे वो उतनी ज्यादा चीजें बढ़ेंगी, तो बेहतर है कि बात कर लेते हैं। तब जाके इन्होंने वहाँ पे बात, हाँ तो बहुत ज़्यादा मैंने मतलब बहुत इमोशनल होके भाई मैसेज वैसेज कर दिए लंबे लंबे, भाई ऐसा है वैसा है, तुमने कभी देखा नहीं मुझे बचपन से, मैंने क्या क्या झेला है, फलाना ढिगाना बोल, बहुत इमोशनल मैसेज, मतलब वो अंदर से मेरे अंदर भरा हुआ था और मैं पहली बार अपने घर वालों के सामने निकाल रही थी, मतलब अपने ब्रदर के सामने। तो भाई मैंने बोल दिया और वहाँ से रेस्पॉन्स आया जो मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि कोई बात नहीं हम समझ ऐसा। तो इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि भाई बोलो बोलो, बोलना बहुत ज़रूरी है। आप बैठे बैठे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि सामने वाला मना कर देगा या सामने वाला में डांटेगा मारेगा, नहीं, क्या पता वो समझ जाए इस चीज़ को। तो वो चीज़ देख के ना मुझे समझ आया कि भाई अगर मैं ये चीज़ बहुत पहले ही बता देती तो आज शायद मेरे को इतना मतलब झेलना नहीं पड़ता या छुपना नहीं पड़ता अपने घर वालों से। इधर से इसका ये चालू था कि मुझे साथ रहना है साथ रहना साथ रहना है। उस दिन हमने बहुत रो धो के पता नहीं रील वील भी बनाई थी मैंने शायद, नहीं तब की बात नहीं है वो, वो तभी की बात है। तो कब की बात है, तब की बात नहीं है वो। उसके बाद इनके जो कज़न है उन्होंने मेरे को भी मैसेज किया कि मतलब हाँ भूल गए आप, बहुत ही फनी वे में बात हुई थी हमारी ऐसे करके कि फिर कब आना है ऐसे करके। तो भाई मुझे चढ़ा दिया पूरा ऐसे करके, तो फिर कब आए फिर लेने ऐसे ऐसे करके बात हुई। तो मैं तो ऑलरेडी मैं तो खुश थी भाई इस चीज़ को लेके कि ठीक है अभी इनकी तरफ से इनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इकलौता वो ऐसा बनता था जहाँ जिसके सामने बात करने से मेरे से कतराती थी कि नहीं अभी नहीं अभी वो है तो मैं बाद में बात करूँगी। तो मैं सोचती थी कि इस चीज़ का मतलब क्यों इतना वो है। तो वो वहाँ पर फाइनली वो चीज़ एक सॉर्ट हो गई थी, क्योंकि वो एक यू नो ग्रुप में एक बातचीत हो रही थी कि भाई ऐसा है ठीक है कोई बात नहीं फिर हमारे भी बात करेंगे, फिर कजन्स, फिर हमारे कजन्स का ग्रुप बना भाई। हाँ, फिर वो लोग थे तो चार पांच लोग थे, छह और ये भी थी उसके अंदर। तो फिर वहाँ पे इनकी हंसी मजाक ऐसे चलती रहती थी, मैं वो छेड़ना वेड़ना ये वो और बातें बातें, फिर कैसे शुरू हुआ, फिर कहाँ मिले, फिर टैटू वैटू वाली बात ये वो करके। तो फिर वही कि भाई घर पे पता है ये सब, तो घर पे तो पता ही नहीं था। तो इन्होंने बोला भैया को कि मतलब तू बात करना मम्मी से, तू बात करना मम्मी से ऐसे करके कि तू बात करना, वहाँ पे प्लान चलते थे कि तू बात करना मम्मी से। तो वो बोलते थे हाँ मैं टाइम देख के, मैं टाइम देख के कल करना, मेरे को लगा था कि भाई बात में चढ़ रहे भैया, वीडियो भी देख रहे होंगे, मेरे को लगा था कि भाई बहुत में चौर है ये। मैंने कहा ये सारा टांटा बिठा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, मैंने कहा सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी भाई। उसके बाद ना हमारी बस ये चीज़ें चलती थी। उसके बाद क्या सीन शुरू हुआ कि नॉर्मली वहाँ पे मैसेजेस वगैरह आ गए, बात बात हो गई, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये वो। और इधर से हमारी बात शुरू हो रही थी कि मुझे मिलना है, और लास्ट टाइम हम नैनीताल में मिले थे तो मैं इनको बोल रही थी कि यार आप ऐसे मिलने आए मेरे को लास्ट टाइम कि ना हम मिल पाए ना हमारी कोई बात हो पाई ना हमने कोई टाइम स्पेंड किया साथ में, क्योंकि पूरे टाइम तो बीमारी थे ये। तो मैं इनको बोल रही थी मेरे को नहीं पता मेरे को मिलना है, तो ये बोलते बाबू देख अभी जिद मत कर ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी ऑलरेडी, देख मैं इतने दिन की छुट्टी लेके आई थी, अभी थोड़ा सा ना डिस्टेंस मतलब रखते हैं थोड़ा लेट मिलेंगे अभी एकदम नहीं हो पाएगा मिलना, अभी देख घर वालों से भी बात चल रही है थोड़ा सा मैच्योर बन के रहे, ठीक है मेरे को ऐसी नसीहतें आ रही कि थोड़ा ना ऐसे मैच्योर बन के रहे कि कभी ना उसने बात भी करनी है मम्मी से फिर देखते हैं ऐसा करके। मैंने कहा अच्छा, तो भाई ऐसे ऐसे करके ना इनकी बातचीत चलने लग गई। फिर ये सब कुछ चलता रहा और हमारी वही डिस्कशन चलती रही कि साथ रहेंगे ये रहेंगे। अच्छा इसमें एक चीज़ ये थी, जब भी मैं इनको ये बोलती थी ना कि मैं साथ रहूँ मतलब मेरे को साथ में रहना है और मतलब कि फैमिली के साथ रहेंगे, तो इनका हमेशा ये आता था कि मतलब रहेंगे लेकिन हम दोनों अलग रहेंगे, इनका ये आता था हमेशा ही। तो मेरे को वहाँ पे ये चीज़ लगती थी कि मे बी इनको ये लगता होगा कि भाई फैमिली के साथ मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी, या फिर मेरी नेचर उनको पसंद आएगी या नहीं, या उनकी मुझे आएगी या नहीं,
मतलब कि मेरे मन में ये सारी चीज़ें थी, तो मैं इनको पूछती रहती थी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमको अलग रहना चाहिए। मैंने कहा मेरे को तो फैमिली के साथ ही रहना है, और स्पेशली मेरे को लगता था कि मेरे फादर इन लॉ ज़रूर होने चाहिए फैमिली में जहाँ पे भी मैं जाऊँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई फादर, क्योंकि पापा नहीं है, तो मुझे लगता था कि मेरे को पूरी फैमिली मिलनी चाहिए जो मुझे बहुत प्यार कर सके। भाई हुआ ये कि मिलने की बात चल रही थी और ये लगातार उस चीज़ के लिए मना कर रहा था कि भाई नहीं मिलना, तो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने कहा कि बिना बताए बिना कहे चलते हैं। सैटरडे का दिन था और मैं सैटरडे को निकली, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला, मेरे एक फ्रेंड है वहाँ पे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी, तो मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरे को जाना है और पायल से मिलने जाना है, और उसको पता था हमारे ये रिलेशन के बारे में, तो मैंने उसको बोला अब चलना है तेरे को कि मैं वैसे चले जाऊँ बाय ट्रेन। मैंने बोला नहीं ठीक है चलते हैं। भाई मैंने उसको सुबह सुबह बुलाया और हम सुबह 4 बजे निकल गए। अब उस दिन हुआ ये कि मैं रात को ना सो नहीं पाई टेंशन के मारे, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ, मुझे टेंशन होती है, और उस चक्कर में जब मैं सोई नहीं तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे को स्टमक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था और वॉमिट जैसा फील हो रहा था, बट फिर भी मैंने एक बैग पैक किया छोटा सा अपना और मैं निकल गई, क्योंकि मैं सैटरडे को निकली थी और मेरे पास एक संडे का ही दिन था बस अगला दिन, और उसे में मुझे वापस भी आना है इतनी दूर, तो जो रुद्रपुर से मैं लुधियाना जा रही हूँ वो भी ठंड में, उस टाइम पे फॉग था बहुत ज़्यादा। तो भाई सुबह सुबह निकल गए हम। अब निकल तो गई मैं किसी तरीके से, तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज आता तो मैंने गुड मॉर्निंग कर दी। उसके बाद गुड मॉर्निंग का मैसेज करने के बाद ना मैंने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, तो ये बोल रहा है मेरे को मैसेज करके कि तू कुछ ज़्यादा बात बात क्यों नहीं कर रही है, क्या हुआ, तब ठीक है तेरी। मैंने बोला हाँ बैंक जाना है। मैंने बोला नहीं ऐसे करके, मैंने कहा तू घर ही हूँ देखती हूँ, क्योंकि हमको सैटरडे कभी कभी मीटिंग के लिए बुला लेते थे इसलिए उन्होंने ऐसा पूछा मुझे। फिर उसके बाद ना ऐसे 8 बजे 9 बजे तो उन्होंने बोला बाबू क्या बात है तू मतलब फ़ोन भी नहीं, मतलब ये मुझे फ़ोन कर रहे थे तो मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी, वीडियो कॉल फ़ोन पहले आपने कॉल किया था तो मैं कॉल भी नहीं उठा रही थी क्योंकि बाहर से आवाज़ ना आ जाए कि मैं बाहर हूँ करके। उसके बाद इन्होंने मेरे को बोला कि तू ना वीडियो कॉल उठा, मेरे को बहुत जल्दी डाउट होता है क्योंकि ये बंदा अगले बार मुझे लगता है CID में जाएगा। इन्होंने मुझे वो वीडियो कॉल कर दी कि तू वीडियो कॉल उठा। मैंने बोला कि नहीं मैं अभी नहीं उठा सकती वीडियो कॉल, बाद में करना, कि तू कुछ तो छुपा रही है मेरे से, तू कुछ तो छुपा रही है। मैंने बोला मैं कुछ नहीं छुपा रही यार, मैं बाद में करूँगी ना बात ऐसे करके, जब भी मैं कुछ ऐसा कांड कर रही होती हूँ तो मैं यही बात करती हूँ कि बाद में बात करूँगी। नॉर्मली मैं इनको ये बोल दूँ कि बाद में बात करूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं सारे काम छोड़ के इनसे बात करती थी। ये ऐसे करते करते ना 10-11 बज गए और फिर फाइनली ऐसा हुआ कि आधा ही हो गया, कहते मेरी कसम है तू फोन उठा वीडियो कॉल उठा। के बाद ना मैंने इनको ऐसा बोला कि मैंने ध्यान आ रही हूँ, तो ये बोलते तेरा दिमाग खराब है कि फालतू मजाक मत कर, प्लीज मजाक मत कर, ये बैंक पहुंच गए थे। मैं बोला मैं मजाक नहीं कर रही, तो एकदम से मैंने वीडियो कॉल उठाया और इनको दिखाया कि मैं गाड़ी में हूँ, और मैंने बाहर का भी दिखाया कि मैं लुधियाना आ रही हूँ, तो ये ऐसे सर पकड़ के बैठ गए, तेरा दिमाग खराब है क्या, तू लुधियाना आ रही है, तो कैसे आ रही है, किसके साथ आ रही है, तूने बताया क्यों नहीं, ये ऐसे ऐसे करके शुरू हो गए भाई, क्योंकि डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा था वहाँ का। उसके बाद मैंने इनको बोला कि प्लीज़ मुझे एड्रेस भेजो अपने ब्रांच का जहाँ पर आपकी जॉब है, मेरे को तब तक तो पता नहीं था भाई पहली बार, और मैं लुधियाना आ रही थी, ये भी बता दो कि मैं जिंदगी में पहली बार लुधियाना आ रही थी, और सुनो बिना एड्रेस लिए निकल गई, ना मुझे इनके घर का पता था ना मुझे इनके बैंक का पता था, मैंने कभी पूछा ही नहीं कहाँ जॉब करते हो, सीधा पता था कि भाई इस बैंक में जॉब करती है, ये नहीं पता था कि किस लोकेशन में है क्या है, ना घर पता कहाँ है, कुछ भी नहीं पता मुझे, और मैं निकल गई। उसके बाद मैंने इनका एड्रेस वेड्रेस लिया, तब जाके इन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया, तक भी मुझे पता नहीं कि इनको विश्वास हुआ था, ये नहीं हो गया था तुमको विश्वास कि मैं आ रही हूँ, चलो शुक्र है हो गया था। फिर इन्होंने मेरे को एड्रेस वगैरह दिया और एग्जैक्ट 2 बजे मैं इनके बैंक पे पहुंच गई थी। इन्होंने मुझे बोला कि बाबू तू नीचे वेट कर पार्किंग एरिया में, जो लुधियाना में जो पार्किंग एरिया है ब्रांच के बाहर इनके, मैं वहाँ पे वेट कर रही थी। फिर ये आराम से निकल के आई है 1/2 घंटे में वहाँ से, नहीं मैं 1:30 बजे पहुंच गई थी, तो ये 1 घंटे में निकल के आई थी वहाँ से, तो मैं गाड़ी तो बीच में से कैसे आ जाऊं भाई, तो मतलब वही 2 बजे में तो आऊंगी, 2 बजे के बाद इनका लंच का टाइम होता ना, तो ये आराम से स्टाइल मारते हुए जैकेट वैकेट पहन के और हीरोइन बन के वहाँ पे आ गई। मेरे को कहती है तू यहाँ पे कैसे आई, तू पागल है, अभी तुम मिले थे, मैं तेरे को बोला था ना मिलेंगे बाद में, मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मेरा मन नहीं लग रहा था, और मैंने इनको हार्डवर्क करना शुरू कर दिया, पागल है क्या यहाँ पे सब लोग जानते हैं, ऐसे मत कर, सुन ऐसे मत कर, यार शिट नहीं 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 ये ना देखे शिट यार इसने भी देख लिया, इसने भी देख लिया, तू ना मुझे मरवाएगी यहाँ पे, क्योंकि बैंक के सारे बंदे नीचे, इनके यहाँ पे क्या था कि नीचे ही खाना खाने आते थे सब लोग और हम वहीं पर रुके हुए थे, और मैं तो भाई ऐसे जैसे बंदर होता है ना ऐसे बच्चों को चिपकता रहता है, ऐसे मेरा हाल था कि भाई मैं तो उसको ऐसे हक करके रखूं बस। तो फिर ऐसा हुआ और फिर इन्होंने मेरे से बातें बातें की, फिर हम खाना खाने गए, इतनी बढ़िया ढाबे डूबे छोड़ के, वहाँ का जो फेमस है छोड़ छाड़ के एक पराठे वाले रेस्टोरेंट में लेके चले गए मेरे को पीछे की तरफ, याद है आपको, पता नहीं किस बात का स्टाइल मारना होता था, लेकिन वहाँ पे मेरे को ये खाते हैं ठीक है, वहाँ पे बिल बनवा लिया अच्छा खासा, नूडल पूडल खिलवा दिए मेरे को,
फिर उसके बाद खावा के इनकी एक फ्रेंड भी साथ में थी, तो भाई खावा के और फिर मेरे को बोलती है बाबू अब मेरे को जाना पड़ेगा। मैंने कहा जाना पड़ेगा मतलब? कहती है मुझे जाना है ऊपर काम है। मैंने कहा फिर मैं क्या करूँगी? कहती है कि तूने एक काम कर तू वेट कर। मैंने कहा वेट करूँ मैं? मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठे रहूँ। हाँ तूने गाड़ी में बैठी रहे तूने वेट कर देख लूँ। मैंने कहा साथ में दिमाग खराब है कि क्या इसका मुँह मत तोड़ दूँ क्या? फिर उसके बाद देख देख के जा रही है मेरे को पलटते पलटते। मैंने कहा कुछ बता के तू जाओ कब तक बैठना है मुझे यहाँ पे? बोलती है मैं ना अभी ऊपर जाके तुझे फोन करती हूँ। तब तक तो ये अपनी जो सीनियर है उनसे भी कुछ ऐसा शेयर तो करती नहीं थी ना, उन्होंने कुछ बताया। अगर मुझे 100% बताया कि अगर इन्होंने ये बोला होता ना कि मुझे जाना है इमरजेंसी के लिए, तो वो बिल्कुल मना नहीं करती। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं एफर्ट सिखाए भाई आपने, बताया मुझे जरा। डर लगता था मेरे को काम को लेके ज्यादा डेडिकेट थे भी काम नहीं वो होना चाहिए। इतनी दूर से बंदी आई है इतना किलोमीटर सफर करके वो कोई मायने नहीं रखता। इन्होंने नहीं बोला उनको कुछ भी कि मुझे जाना है नहीं जाना है। और सोचो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि मैंने प्रेशराइज ही नहीं किया था। पहले पहले चल रहा था ना तो मौका दे दिया मैंने, कहा चलो ठीक है। अब सोचो कि मैं वो 1:30 बजे पहुंचने के बाद वहां पे शाम को 7:30 बजे तक उस गाड़ी में ही बैठी रही और मैं इनको मैसेजेस कर रहा हूँ एक बार नीचे आओ ना एक बार नीचे आओ ना बस यहीं पे खत्म ऐसे करके। तो ये लड़की 7:30 बजे नीचे आई रात के। अब उस 7:30 बजे आने के बाद क्या हुआ आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में, और वो बिल्कुल भी मिस मत करना। और आप लोग प्लीज बताना कि अगर इसको एक बार में खत्म करना है तो हम एक वीडियो में भी खत्म कर सकते हैं बहुत शॉर्ट में बता के इसको। फिर आपको इतने डिटेल्स में जो हम चाहते थे कि जो आपको नहीं पता वो चीजें आपको कहीं पे भी नहीं पता, तो वो जैसे फिर... कि इस वीडियो में मैंने आपको वो साथ रहने वाली बात पे पूरा बताया कि हाँ ये ऐसा चाहते थे। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अब तो खासकर आने वाली हैं, तो अगर आप चाहते हो वो मिस हो जाए तो फिर देख लो भाई। क्योंकि अभी तक तो हम दोनों की कहानी चल रही है, अब इसमें सारे लोग जुड़ने वाले हैं। ठीक है तो कमेंट करके बता देना। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लव स्टोरी के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय गुड नाइट।